السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن इन तुल्न फ़ला तखदा नबिलकुलयतमादीफ़ी कलब ही मरदम वरूफा मज्ज़ नाज्रीन आई प्लस टी वी के इस प्रोग्राम नबी की बीवियाँ में आपका खैर मक़दम है इनशा इस प्रोग्राम में हम तरतीब के साथ अल्लाह के रसूल सल्लासलम की जो अजवाज मतहारत हैं जो आपकी बीवियाँ हैं जो इस उम्मत की माएँ हैं हम उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत के कुछ अहम औरक आपके सामने इन पेश करेंगे नाजरीन आज इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है और आज हम आपके सामने अजवाज मतहरात का क्या मकाम है क्या मरतबा है उनकी क्या खसूसियात हैं इस पर इंशाला हम रोशनी डालेंगे नाजरीन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को जिन्स के अतबार से दो जन्स में तकसीम किया है मर्द और और औरत जिस तरीके से मर्दों में बहुत सारे मर्द अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की रजा के लिए बहुत सारे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए ऐसे ही बहुत सारी ख़वातीन भी इंसानी तारीख में ऐसी गुजरी हैं जिनकी ज़िंदियाँ अल्लाह ताली की रज़ा के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए वक्फ़ थी कुर्बान थी। उन्हीं ख़ीन में प्यारे नबी सल्ला वसलम की अजवाज मतहारत भी शामिल हैं आपकी बीवियाँ भी शामिल हैं नबी करीम सल्लाह वसलम की ये बीवियाँ इनका सिर्फ यही मकाम नहीं हैं कि ये इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती की वो बीवियां हैं बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी खसूसियत ये है उनका मकाम ये है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयली ज़िंदगी थी जो आपकी प्राइवेट लाइफ थी जो आपकी घरेलू ज़िंदगी थी उसे उन्होंने पूरी अमानत दारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने उम्मत तक पहुँचाया है नाजरीन अजवाज मुतहरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मकाम व मर्तबे के लिए इतना ही काफ़ी है कि कर्न करीम में अल्लाह ताला ने कई मकाम पर उन्हें अजवाज नबी कह कर के मुखातब किया कहीं फरमाया या निसा अन नबी ए नबी की औरतों कहीं फ़रमायान नबी यू कुल अजवा जी का ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए मोहतरम नाजरीन क़र करीम जब तक दुनिया में बाकी है तब तक अजवाज मतहरात की प्यार नबी सल्ला वसलम की बीवियों की यह फ़जीलत और ये मकाम बरकरार रहेगा कि कुरान में उनका ज़िक्र होता रहेगा अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं पर या नसा अन नब्बी कह कर के उनको मुखातब किया कहीं अजवाज नबी कह कर के उनको मुखाब किया नाजरीन अजवाज मुतहरात की एक ख़ूबी ये भी है कि जब उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ शुरू किया आपकी ज़िंदगी में जब वो आईं तो वो ये जान कर के आईं कि आपके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी कुरबानियाँ देनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा बहुत सारे ऐशो आराम की जिंदगी को क़ुर्बान करना पड़ेगा ये तमाम बातें जानने के बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बीवियों ने प्यारे नबी की सोहबत और आपके साथ रहने को मंजूर किया और कबूल किया जब अल्लाह ताला ने सुर अहज़ाब की आयत नंबर ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन नाजिल की और अल्लाह ताला, ताला ने अपने नबी की इन बीवियों को इख्तियार दिया अल्लाह ने फरमाया या फरमायान नबी जी का इनकुन तुरद नया तुनिया वजी न फ़तलई न उमत्न्ना व उन्ना सरााहन जमीला ए नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो दुनिया का ऐशो आराम चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें रुखसत कर देता हूँ और तुम्हें दुनिया की दौलत दे देता हूँ दुनिया का ऐशो आराम तुम्हें दे देता हूँ वह इन कुन तुन्ना तुरद न रसूल वार लेकिन अगर तुम अल्लाह को चाहती हो रसूल को चाहती हो और आखरत में अपना घर बनाना चाहती हो मिन फ्लामसिन अजरन अज़ीमा तो अल्लाह तबारक व ताली ने तुम्हारे लिए बेहतरीन अजर तैयार करके रखा है जन्नत तैयार करके रखी है जब कुर करीम की ये दोनों आयतें नाजिल हुईं तो प्यारे नबी सल्लासम सबसे पहले अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए और कहा कि आयशा इन्नी जर के अमरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ फ़ला अली की अल्लाह तस्ता जिली तुम जल्दी मत करो मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम सोच समझ करके फैसला करो अपने वालदान से मशवरा कर लो उसके बाद तुम फैसला करो अम्मा आयशा फरमाती हैं हालांकि अल्लाह के रसूल सल वसम जानते थे कि मेरे वालदान कभी मुझे ये राय नहीं दे सकते कि मैं नबी से अलग रहूँ मैं नबी से दूर हो जाऊँ उसके बावजूद प्यारे नबी सल वसम ने मुझसे कहा कि आयशा तुम जल्दी मत करो तुम अपने वालदे से मशवरा करने के बाद मुझे अपना फैसला सुनाओ और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर अहज़ाब की यही दोनों आयतें पढ़ के हज़रत आयशा को सुनाई कि अल्लाह ताला इख्तियार दे रहा है अपने नबी की बीवियों को कि चाहो तो नबी के साथ रहो और अगर तुम्हें दुनिया का ऐशो आराम चाहिए तो तुम नबी का साथ छोड़ के जा सकती हो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तरमाया कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल मैं इसमें से कौन सी ऐसी बात है कि मैं अपने वालदे से मशवरा करूँ क्या मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ और आपको छोड़ करके मैं दुनिया को हासिल करना चाहूंगी मैं बेशक अल्लाह और उसके रसूल को चुनती हूं और मैं अपने रसूल के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं चाहे मुझे जितनी भी परेशानियां उठानी पड़े सही बुखारी और सही मुस्लिम के अल्फाज में तो बस इतना ही है उसकी रिवायत में मुस्द अहमद की रिवायत में ये अल्फाज मिलते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब और बीवियों के सामने भी ये प्रस्ताव रखा ये प्रपोजल रखा और सारी बीवियों ने जब वही जवाब दिया जो अम्मायशा रजी अल्लाह तह ने जवाब दिया फसुर रबालिकन नबी अल्लाह के नबी व बेहद खुश हुए मोज्ज़ नाजरीन ये कोई मामूली बात नहीं थी प्यारे नबी सल वसम के साथ रह कर के आपकी इन बीवियों ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं जिंदगी में ऐसे भी अयाम है कि दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जला है नबी के घर में नबी की इन बीवियों ने खजूर खा के और पानी पी के अपने नबी के साथ गुज़ारा किया है अब मायशा रजी अल्लाह ता हज़रतरवा से अपने भांजे से कहती हैं कि इन इनकन्ना लन हिलाल हम चाँद देखते थे फिर महीना गुजर जाता था दूसरे महीने का चाँद देखते थे फिर महीना गुजर जाता था फिर चाँद देखते थे और मोहम्मद रसूल के घरों में आपकी अजवाज मतहरात के घरों में चूल्हा नहीं जलता था हज़रतरवा ने पूछा कि अम्मा आप ये बताएं कि फिर गुजारा कैसे होता था आप लोग खाते क्या थे तो हजरत आयशा ने फरमाया अल फरमायादान अलमाऊ व तमरू हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया करते थे नाजरीन अजवाज मतहरात की इसी कुर्बानी का बदला अल्लाह ताला ने यह दिया कि अपने नबी को अल्लाह त हुक्म दिया ला नए नबी अब आपके निका में जितनी औरतें आ गई हैं अब इनके बाद आप किसी और खातून से निकाह नहीं कर सकते आपने जितनी बीवियों से निका किया है इनके अलावा किसी और खातून से निकाह नहीं कर सकते वला बिहिन ना और ना ही इनके बदले आप किसी से निकाह कर सकते इनको तलाक नहीं दे सकते आप इनके बदले किसी और खातून से आप निकाह नहीं कर सकते अजवाज मतहरात ने जब दुनिया के ऐशो आराम को कुर्बान करके नबी का साथ कबूल किया और नबी के साथ मुश्किल और परेशानी भरी जिंदगी गुजारने पर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने उसका सिला ये दिया उसका बदला ये दिया अल्लाह ताला ने अपने नबी को पाबंद किया कि आपको इन अजवाज मतहरा के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है आप इनके बदले किसी और खातून से निका नहीं कर सकते ये अजवाज आपकी दुनिया में भी आपकी बीवियाँ हैं और आखरत में भी आपकी बीवियाँ रहेंगी मोज़ नाजरीन ये अजवाज मतहरात ये नबी की बीवियाँ इनका एक और बड़ा ऊँचा मकाम है कि अल्लाह ताली ने इनको मोमिनों की माए करार दिया है अल्लाह ने फरमाया सुर हज़ाब के अंदर अन नबीला बिलमोनीम वह अजवा जहू उम महात नबी अहल ईमान से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं और नबी की बीवियाँ अहल ईमान की माएँ हैं कयामत तक जितने अहिल ईमान आएँगे वो इन तमाम रसूल की बीवियों को माँ समझेंगे उनका माँ की तरह अहतराम करेंगे और माँ का उनको दर्जा देंगे इनको जो माँ का दर्जा न दें इनको जो माँ ना समझे वो मुमिन नहीं हो सकता वह अजवा जुहू उम महातम नबी की बीवियाँ उम्मतियों की माए हैं नाजरीन जब इनको ये शरफ़ मिला इनको ये मकाम मिला कि नबी के साथ इनका ताल्लुक जुड़ गया नबी के साथ इनकी नस्बत जुड़ गई ये नबी की बीवियाँ बन गईं तो ज़ाहिर इनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गईं इनकी गलती और औरतों के मुकाबले में ज्यादा है और इनकी नेकी भी ज्यादा है तो अल्लाह ताला ने इनकी गलती पर सज़ा भी डबल तय की और इनकी नेकियों पर अल्लाह ताला ने दोहरा अजर देने का वादा किया Allah ने या मिन कुन लहा यसीरा। की तुम में से जो खातून जो औरत ख बेहयाई का, का काम करेगी गलत काम करेगी बदकारी का, का काम करेगी तो वो ये याद रखे कि उसे डबल सजा दी जाएगी योजाफ़ लहला आजाब उसे दोहरा आजाब दिया जाएगा वकान दाली का अल्लासरा और अल्लाह तबारक व ताल के लिए ये चीज़ बिल्कुल आसान है वमन यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा और जो इन नबी की बीवियों में अल्लाह की फरमा बरदारी करेगी रसूल की फरमा बरदारी करेगी व तअमल सालिहा और नेक अमल करेगी नुतिहा अजरहा मर्रतैनी हम उसका डबल उसको सवाब देंगे वह करीमा और हमने उसके लिए पाकिजा रिस्क तैयार करके रखा है यानी जन्नत तैयार करके रखी है नाजरीन अजवाज मतहरा अपने मकाम व मरतबे के लिहाज से दूसरी औरतों से मुमताज़ हैं अलग हैं उनका मकाम ऊँचा है अल्लाह ने फरमाया या फरमायाबी कौल नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो तुम कॉमन वूमन की तरह नहीं हो तुम दीगर मुसलमान औरतों की तरह नहीं हो इन्ित तक़ तन्ना अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो और वाकई में अल्लाह का खौफ खाने वाली हो तो याद रखो तुम्हारा मकाम बहुत ऊँचा है लस्तुल्न का हदनसा तुम आम औरतों की तरह नहीं हो नाजरीन अजवाज मतःहरा की एक स्पेशलिटी और एक खसूसियत ये भी है कि ये वो औरतें हैं ये वो खुतन हैं जिनके घरों में कुरान नाजिल होता था जिनके घरों में अल्लाह तबारक वाली की तरफ से वही का नजूल होता था अल्लाह ने फरमाया सुरह के अंदर ए नबी की औरतों जो तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत होती है जो तुम्हारे घर में हमत वाली बातें बयान की जाती हैं सुनत बयान की जाती है उसको तुम याद किया करो उसका जिक्र किया करो बेशक अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज़ों की खबर रखने वाला है नाजरीन अल्लाह के रसूल वसल्लम की बीवियाँ कुरान के नस के मुताबिक आपके अहल बैत में शामिल हैं अहल बैत रसूल के घर वाले रसूल की फैमिली इनमें सबसे पहले आपकी अजवाज मुतहरात शामिल हैं इसीलिए आप देखें कि बाईसवें पारे की स्टार्टिंग में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बीवियों को मुखातब किया उनको मुख्तिफ अहकाम दिए गए उसके बाद उसी उसीक में और उसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन कि वे नबी के घर वालों नबी के अहले बैत अल्लाह तबारक वाल तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर करना चाहता है और तुम्हें मुकम्मल तरीके से पाक पाको साफ करना चाहता है कुरान की ये आयत इसके पहले की आयतें इसके बाद की आयतें और पूरा कॉन्टेक्स्ट इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल के अहल बैत में अल्लाह के रसूल की फैमिली में सबसे पहले आपकी अजवाज मतहराज शामिल हैं यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत को दरूद के केगे सिखाए सलाम के, के अल्फाज बताए तो उन अल्फाज में आल के साथ साथ आपकी अजवाज का लफ्ज़ भी मौजूद है चुनान सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हजरत अबू हमेद साायदी की हदीस मौजूद है कि जब उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल हम आपके ऊपर दरूद कैसे पड़े तो अल्लाह के रसूल सल वसम जो दरूद के अल्फाज उनको बताए उसमें ये अल्फाज भी थे अल्ला मसल मुहम्मद व आला अजवाज ही व झुर्रीत ही उसमें अजवाज और जुर्रियत का लफ्ज़ मौजूद है महज्ज नाजरीन अजवाज मतहारात का एक और बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इस उम्मत की रूहानी तरबियत का बड़ा इंतज़ाम किया प्यारे नबी सल वसम की बहुत सारी अहदीस को उन्होंने याद किया और उम्म तक पहुँचाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तहाँ अल्लाह के रसूल की वो बीवी जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्ला वसम की घरेलू ज़िंदगी के उन पहलुओं को उम्मत के सामने बयान किया कि अगर वो बयान न करती तो उम्मत कभी उन हालात से वाकिफ़ नहीं हो सकती थी बाईस सौ के करीब रिवायतें हजरत आयशा से हमें मिलती हैं और ये बाईस सौ वो हदीसें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम की सीरत और आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है तो इन बीवियों ने ऐसा नहीं कि सिर्फ रसूल के साथ ये सिर्फ एक बीवी की तरह रही हैं बल्कि पूरी अमानत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रसूल अक्रम के कौल को आपके आमाल को आपकी एक्टिविटीज़ को इन्होंने याद किया और उम्म तक ईमानदारी के साथ पहुँचाया नाजरीन अजवाज ज की अगर हम बात करें प्यारे नबी की बीवियों की बात उनका ईमान उनका तकवा उनका हसन अमल भी पूरी उम्मत के लिए नमूना है इन अजवाज ज के जब हम हालात आपके सामने बयान करेंगे आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इनकी जिंदगियां कैसी मिसाली और आइडियल जिंदगियां थीं ईमान वमल कितना मजबूत था इनका हजरत उम्म हबीबा रजी अल्लाह तहा अल्लाह के रसूल सल वसम की बीवी हैं हम सब की हैं। वो कहती हैं कि प्यारे नबी सल वसम ने फरमाया कि जिसने दिन और रात में बारह रक़त नमाज पाबंदी से पढ़ी मैंने प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है बनलबई तनफिल चरना अल्लाह त उसके लिए जन्नत में एक महल एक मकान तामीर करेगा हजरत उम्म हबीबा कहती हैं फमा मुनजो तुहन्ना मुन्सम तुहन्न मिन रसूल वसल्लम मैंने जब से ये हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है ये बार रकात नमाजें मैंने कभी नहीं छोड़ी हैं ये बारह रकात नमाजें कौन सी है? ये हैं ये सुन रवातिब हैं फ़जर की फ़र्ज़ के पहले की दो रकातें हैं ज़हर के फ़र्ज के पहले की चार और जहर के बाद की दो रकातें हैं इसी तरीके से मगरिब के बाद की दो रकातें हैं ऐशा के बाद की दो रकातें हैं ये मुकम्मल बारह रकातें हैं इनकी पाबंदी करने पर जन्नत में महल मिलेगा हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तह प्यारे नबी की बीवी कहती हैं जब से मैंने ये हदीस सुनी मैंने कभी ये बारह रकातें नहीं छोड़ी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल की इन बीवियों का ईमान कितना मजबूत था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का जज्बा उनके अंदर कितना मजबूत था मुआजज़ नाजरीन अजवा ज को अल्लाह ताला ने एक और खसूसियत से नवाज़ा कि अल्लाह ने अपने नबी को ये हुक्म दिया कि नबी आप इन अजवा ज के रहते हुए किसी और खातून से अब निकाह नहीं कर सकते साथ ही साथ उम्मत को ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह के रसूल सल वसम की वफात के बाद अब कोई उम्मीती इन खातिन से निकाह नहीं कर सकता ये पूरी उम्मत की माँ का दर्जा रखती हैं और चूंकि ये आखरत में भी नबी की बीवियां हैं लिहाजा दुनिया में कोई इनसे निकाह नहीं कर सकता अल्लाह ताला ने सुरे अहज़ाब की आयत नंबर 53 में फरमाया वा मा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा ए मुसलमानों तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाओ या तुम उनकी अज़वाज मुतहरात से आपके बाद कभी निकाह करो तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं है कि तुम रसूल की बीवियों से निकाह करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आखरत में भी आपकी बीवियाँ हैं इसलिए आपकी वफात के बाद भी किसी को उनसे निकाह करने की इजाज़त नहीं है इन तमाम खवातीन ने नबी के बाद भी यानी बेवगी की जिंदगी गुजारी और अल्लाह को प्यारी हो गई और इन श्ला आखरत में भी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ बन करके रहेंगी मोजद नाजरीन एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुत्द निकाह क्यों किए ख़ास से इस्लाम के दुश्मनों की तरफ़ से ये एतराज़ होता है और बाज लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर और आपके किरदार पर सवाल उठाते हैं कि आपने इतने सारे निकाह क्यों किए नाजरीन एक यानी कॉमन सेंस की बात है कि इंसान अगर शहावत की वजह से निकाह करता है तो शहावत का जो सबसे इंतहा का दौर होता है सबसे ज़्यादा शहावत इंसान के अंदर जो होती है जवानी में होती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से निकाह किया और 25 बरस से लेकर के 50 बरस की उम्र तक, तक तकरीबन अपनी जिंदगी की जवानी का बेहतरीन दौर आपने एक खातून के निकाह में गुजारा हजरत खदीजा के रहते हुए आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया आपके सारे निकाह उनके वफात के बाद हुए और आपने जितने भी निकाह किए हैं हम आगे जब अल्लाह के रसूल की उन बीवियों के हालात आपके सामने बयान करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हर निकाह के पीछे एक बैकग्राउंड है एक मसलहत है एक हिकमत है और अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी मशीत से अल्लाह के रसूल ने ये निकाह किए हैं हजरत जैनब के साथ आपका जो निकाह हुआ एक बहुत कबी रस्म थी अपने मुंह बोले बेटों को अपने उन बेटों को जिनको लोग पालते थे अपना सगा बेटा समझते थे उसकी बीवी को अपनी सगी बहू के बराबर समझते थे इस रस्म को तोड़ने के लिए अल्लाह ताली ने नबी को हुक्म दिया कि आप अपने मुँह बोले बेटे जिसको आपने पाला है बेटे की तरह हजरत जैद उनकी जो मुतलक़ाएँ हजरत जैनब उनसे आप निकाह करें इसी तरीके से हजरत जवैरिया से आपने निकाह किया तो उनसे निकाह के बाद उनकी पूरी कौम को सहाबा ने आज़ाद कर दिया कि ये तो रसूल के रिश्तेदार हो गए इसी तरीके से हजरत सफ़िया यहूदी सरदार की बेटी थी उनसे आपने निकाह किया ताकि यहूदियों के दिल में कम से कम अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो बुक्स भरा है जो हसद भरा है जो दुश्मनी के जज्बात हैं वो सर्द पड़ जाएँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम जो निकाह थे ये मुख्तलिफ समाजी और माशरती और दीनी हकमतों के पेश नज़र थे और ये तमाम निकाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपने किए हैं मुअज़्ज़ज़ नाजरीन इन आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये निकाह किस तरीके से वजूद में आए और आपकी इन बीवियों ने अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में आने के बाद उम्मत को इनसे क्या फ़ैज़ पहुँचा उम्मत को इनसे क्या फ़ायदा मिला ख़ास तौर से हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह उनके हालात आपके सामने बयान करेंगे हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला वो बीवी हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी वफ़ात के बाद भी इनको याद किया करते थे अक्सर इनका ज़िक्र करते थे हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला कहती हैं कि मैंने कभी हज़रत खदीजा को देखा नहीं था लेकिन इतनी कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का जिक्र करते थे कि मुझे गैरत महसूस होती थी कभी कभी मैंने अल्लाह के रसूल से कहा भी कि अल्लाह के रसूल क्या खदीजा के अलावा कोई और बीवी दुनिया में नहीं है प्यारे नबी सल्ला ने फरमाया कि वो ऐसी हैं वो ऐसी हैं हज़रत खदीजा के औसाप आप बयान करते हैं और फिर आप ये भी कहते कि जो औलाद मिली है वो तमाम के तमाम हज़रत खदीजा के वतन से मिली तो हजरत खदीजा हों या हजरत आयशा हों या और भी तमाम जो आपकी अजवाज मतहारत हैं इस उम्मत की खवातीन के लिए वो एक आइडियल हैं आज मुसलमान खवातीन अपना आइडियल बनाती हैं उन औरतों को जो फैशन की दुनिया में आगे हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आगे हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे हैं जो दुनियादार हैं जो दुनिया परस्त हैं मैं अपनी उन मुसलमान माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए और इस उम्मत की सबसे बेहतरीन खवातीन की सीरत के हवाले से मैं अपनी मुसलमान बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके लिए आइडियल ये नाचने गाने वालियाँ नहीं हैं आपके लिए आइडियल ये अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली बेहया और बेगैरत औरतें नहीं हैं ये वो औरतें आपके लिए आइडियल हैं जिनका जिक्र कयामत तक कुरान में होता रहेगा जिनके ईमान और तकवा की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में की है जिन्होंने नमाज की भी पाबंदी की अल्लाह को भी राजी किया और जंगों में कैदियों को पानी भी पिलाया और जरूरत पड़ी तो दुश्मनों का मुकाबला भी किया जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की इबादत की और अपने नबी से जो इल्म सीखा था उस इल्म को भी उम्मत तक पहुंचाया मेरी माओ और बहनों ये नबी की बीवियों की जो सीरत है ये हमारे और आपके लिए आइडियल है और ये बात याद रखें इस गलत फहमी को दूर कर लें कि इस्लाम एक औरत की तरक्की में रुकावट बनता है जी नहीं इस्लाम एक औरत को सही माने में तरक्की हासिल करने का रास्ता बताता है औरत की तरक्की ये नहीं है कि उसके जिसम से दुनिया लज्जत उठाए उसको हवस भरी निगाहों से देखे औरत की असल तरक्की ये है कि वो अपने परिवार अपनी फैमिली अपने घर वालों के साथ साथ वो अल्लाह को राज़ी करें अपने घर वालों के लिए भी वो आँखों की ठंडक बने एक अच्छी माँ बने एक अच्छी बीवी बने एक अच्छी बहन बने एक अच्छी यानी समाज को कुछ देने वाली खातून बने और आख़रत में भी उसको अल्लाह ताला जन्नत अता फ़रमाए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन नाजरिन नाजरात ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अज़वाज ज की सीरत नबी की बीवियों की सीरत हमें यह पैगाम देती है कि जिंदगी में थोड़ी मुश्किल उठा ली जाएं थोड़ी परेशानियाँ उठा ली जाएं मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए और अगर इंसान सही माने में दीनदारी वाली जिंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला टूटे फूटे मकानों में उसे चैन और सुकून अता फरमाता है नबी की नौ बीवियाँ एक साथ रहती थी छोटे छोटे कच्चे मकानों के घर उनके थे मामूली सी छत थी मामूली से पिलर्स थे मामूली सी दीवारें थी मगर उन्हें इस बात का इतमान था कि हम इस उम्मत की सबसे अजीम खवातीन हैं और इस कायनात के सबसे अजीम इंसान की जोजियत में और उनके निकाह में हम हैं ये वो जज्बा था जिसने उन नबी की बीवियों को सुकून अता किया था मेरी प्यारी माँ और बहनों और मोज़ नाजरीन व नाजरत ज़िंदगी में चैन और सुकून ना हो तो बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बंगले भी बेकार हैं और चैन और सुकून हो तो एक छोटी सी झोपड़ी भी इंसान के लिए जन्नत से कम नहीं है दीन पर चलना ईमान अमल के रास्ते पर चलना यह हमें दुनिया में भी चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाता है और आखरत में भी चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाता है अल्लाह ताला ने कुरान करीम के चौदाहवें पारे में जिक्र फरमाया कि मन सायातन तयबा कि जो भी मर्द या औरत ईमान के साथ अमल सालेह की जिंदगी गुजारेगा बहुआ मोमिन शर्त ये है नेक अमल के साथ साथ इस्लाम और ईमान वाली ज़िंदगी गुजारे फला नयातन तयबा तो हम उसे पाकिज़ा जिंदगी अता फ़रमाएंगे वजन अजर हम बे मा कानू यामलून और हम उसके अमल का बेहतरीन बदला उसे आखरत में देंगे तो ईमान और नेक अमल के जरिए आखरत में जो बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी वो तो मिलेगी दुनिया में भी हयातन तयबा मिलेगी और हयातन तयबा की बेहतरीन तफसीर है अल्लाह के रसूल की बीवियों की ज़िंदगी इन हमारा ये प्रोग्राम इसी तरीके से चलता रहेगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हालात हम आगे के एपिसोड में आपके सामने बयान करेंगे अल्लाह ताल सदुआ रबीन ये रसूल की बीवियों के इस सिलसिले को हम सब के हक में मुफ़ीद बना दे और ख़ास से हमारी खुवान को अपनी दीदी तरबियत इनकी सीरत की रोशनी में करने की तोफ़ी तहफरमा आमीन असलम वरह वक्त दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें